स्टार्ट करें। चलो, एड्स नाम सुन लिया, सबने सुना हुआ है पहले से, स्कूल के टाइम से। चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? स्टार्ट फ्रॉम कॉर्नर सीट, स्टैंड अप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी? क्या? हाँ, अब ये मत कहना तुम्हें पता नहीं है। और कोई प्रॉपर फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी? इधर गर्ल्स स्टैंड अप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब टॉपिक में ही तुम लोग का ब्लंडर हो जाता है। देखो यार, एड्स की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे एड्स, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एड्स। ठीक है, मुझे लगता है स्कूल में, स्कूल टाइम में नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इतना पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। बच्चे थोड़ा टाइम से आया करो, वैसे तो लेट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखो नाम में ही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसका सप्रेशन हो जाता है, इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना, एचआईवी इन्फेक्शन होना इसका मतलब ये नहीं किसी को एड्स है। किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हुआ कि तुरंत उसे एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग ये चीज पढ़ेंगे डिटेल में, देन यू विल सी कि भाई एचआईवी इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद एड्स नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है एड्स कंडीशन आने में। तो सबसे पहले हम लोग एचआईवी डिस्कस करेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस डिस्कस करेंगे। इसका ये यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस फैमिली। कोई मुझे रेट्रोवायरस फैमिली, अगर कोई रेट्रोवायरस है तो उसके कोई कुछ फीचर्स बताएगा क्या होता है? बॉयज लास्ट कॉर्नर सीट स्टैंड अप। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेट्रोवायरस? नाम सुना है रेट्रोवायरस का? क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं? कुछ तो पॉइंट्स होते होंगे, कुछ सुना है कि उसके बारे में, या आज ही सुना है फर्स्ट टाइम? नहीं सुना तो एटलीस्ट बातें मत करो। तो हम लोगों ने जो यहां पर लिख रखा हुआ है, इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस फैमिली, इसका एक पॉइंट ये आता है कि इसके पास ये क्या होता है कि जो इसमें जेनेटिक मटीरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, रेट्रोवायरस फैमिली से जो वायरस बिलोंग करते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, साथ में एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बताओ? नाम सुना है पहले? नाम सुना है या नहीं? कहां सुना है? घर पर? कहां सुना है? हाँ, जनरल रूटीन में क्या होता है? एग्जैक्टली जो हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था, सेंट्रल डॉगमा क्या था? डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। ये हमारा क्या था, ये प्रोसेस, ये पूरा सिस्टम है ये वाला, ये स्टेप्स हैं। लेकिन अगर हमारा आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए टू आरएनए उसका रिवर्स कर दो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। और जो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो एचआईवी होता है उसके वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उसमें, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ताकि जो उसका जेनेटिक मटीरियल है आरएनए वो उसे होस्ट डीएनए में जाके इंसर्ट कर सके, एडप्ट कर सके वहां जाकर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो रेट्रोवायरस फैमिली के जो वायरसेस होते हैं उन सबका ये फीचर होता है। ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करना है, लेट आए हो तो। ठीक है,
नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एचआईवी बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड है दे आर आरएनए कंटेनिंग वायरसेस, ठीक है, यही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम होता है। सेकंड हमारा क्या है, टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अभी हम बात करेंगे एचआईवी की तो उसमें क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक। नेक्स्ट ये इसका डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है एचआईवी का। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट है, साथ में टू स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। अब क्या है, ये इसका कोर है, ठीक है, कोर के आउटर उस पर क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो जो हमारे कोर प्रोटीन्स हैं तो वो हमारा फर्स्ट क्या है, कैप्सूल प्रोटीन P24 और हमारा है ऊपर देख रहे होंगे मैट्रिक्स प्रोटीन P17। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे एंजाइम प्लस आरएनए मॉलिक्यूल को कवर करते हैं, ठीक। तो एक हो गया कैप्सूल प्रोटीन, सेकेंड इज मैट्रिक्स प्रोटीन। अब क्या होता है, जब ये पूरा वायरस है ये पूरा एक कैप्सूल पूरा एनवलप में रहता है, जो इसके एनवलप में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो जो दो मेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41, ऊपर लिखा हुआ भी होगा एनवलप प्रोटीन 41 एंड 120, ठीक है। अभी जो ये लोग हम यहाँ पर 120 पढ़े हैं इसकी सिग्निफिकेंस है अभी आगे, तो इसे थोड़ा सा इस वाले को तो एटलीस्ट सब लोग को पता होना चाहिए कि जो एचआईवी होता है उसके एनवलप पे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं 41 एंड 120 के सिग्निफिकेंस। अभी आगे जब हम पूरा इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और कुछ बच रहा है यहाँ पर, बस इतना ही था, टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स, टू प्रोटीन्स एंड टू एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तीन तरीके से होता है एचआईवी का ट्रांसमिशन, जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन तीन टाइप से होता है। 75% केसेस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, 75% केसेस। 15% जो होता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है या फिर इन्फेक्टेड निडल से हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट होता है थर्ड, किसी को पता है थोड़ा सा क्या होगा, फर्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, सेकेंड क्या हो गया, इन्फेक्टेड निडल हो गई, सिरिंज हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, थर्ड पॉइंट क्या होता है, फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर टू चाइल्ड में क्या होता है, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो भी हमारा क्या होता है कि एचआईवी जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है फीटस में, ठीक है। तो हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तीन पॉइंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन मैक्सिमम केसेस 75% केसेस में होता है, सेकेंड हमारा क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल, सिरिंज, इन सब से होता है, थर्ड वन इज द मदर टू चाइल्ड। नाउ द नेक्स्ट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द डिजीज। अब देखो क्या होता है, अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हुआ और हमने कह दिया अरे इसे तो एड्स हो गया है, ऐसा नहीं होता है, अभी हम वही वाले पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब हमें इन्फेक्शन हुआ, एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ हमें, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं विंडो पीरियड, ठीक है। विंडो पीरियड में हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी बहुत क्लियर है, व्हेन द वायरस एंटर द बॉडी इट मल्टीप्लाइज इन द बॉडी सेल बट कैन नॉट डिटेक्ट इजिली, दिस इज कॉल्ड विंडो पीरियड। इसमें क्या होता है, वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, ठीक है, एंटर होने के बाद उसने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, पेशेंट एकदम नॉर्मल रहता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, कुछ नहीं होता है, बस वायरस हमारी बॉडी में आया, आने के बाद वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड विंडो पीरियड, फर्स्ट हो गया हमारा विंडो पीरियड। द नेक्स्ट इज द सीरोलॉजिकल, जो हम टेस्टिंग करते हैं सीरोलॉजिकल, तो सीरो पॉजिटिव केसेस की बात क्या होती है, एक वायरस आया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज अगर होंगी, जब उसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की सिंथेसिस होगी तो क्या होगा, हमारा एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं सीरो पॉजिटिव, ठीक है, मतलब सीरो पॉजिटिव मतलब हमने टेस्ट कराया,
टेस्ट कराने के बाद हमें पता चला कि इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी ने उसके रिप्लाई में एंटीबॉडीज भी बना दी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीरो पॉजिटिविटी, ठीक। ये पॉजिटिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है ये, तो बस नाम ही है सीरो पॉजिटिविटी, बस पॉजिटिविटी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो अब इस वाला जो पॉइंट होता है इसमें भी हमारा क्या होता है कि पेशेंट एकदम हेल्दी रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सीरो पॉजिटिव अगर पेशेंट हो गया है, ठीक है, तो वो पेशेंट जो है वो कैरियर हो गया है और वो दूसरों को भी ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक। इज इट क्लियर? अभी क्या था विंडो पीरियड में, क्या है, सिर्फ वायरस आया और आने के बाद उसने अपने रिएक्शन वगैरह कर रहा होगा, लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद सीरो पॉजिटिव स्टेज आ जाती है, उसमें क्या होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, जिसकी जिसमें क्या होता है कि HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन गई हैं, फिर वो डिटेक्ट हो जाती हैं। इस कंडीशन में भी पेशेंट क्या होता है नॉर्मल रहता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सीरो पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट हो गया है तो वो कैरियर हो जाता है, मतलब वो और सबको भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है वायरस भी इस कंडीशन में अगर वो पॉजिटिव हो गया है तो, ठीक है। इसके बाद ये है कि अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ है, अबाउट 50% सीरो पॉजिटिव इंडिविजुअल विल गो फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ एड्स डिजीज विद इन 10 ईयर्स। समझ रहे हो, अगर कोई सीरो पॉजिटिव है वहीं उसी लेवल पर ट्रीटमेंट कर दिया वो एक अलग चीज है, उसमें से 50% पेशेंट्स होते हैं जो कि 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 10 साल बाद वो अपनी थर्ड स्टेज में जाते हैं, दैट इज एड्स, जो एड्स होती है। अब समझ में आ गया कि HIV इन्फेक्शन होते ही कि अरे इसे एड्स हो गया है, वो नहीं होता है। पहले विंडो पीरियड होगा, फिर सीरोलॉजिकल सारे टेस्टिंग होगी, सीरो पॉजिटिव स्टेज होगी, उसके बाद भी 10 ईयर्स का लिखा हुआ है, इतना लंबा टाइम होता है, उसके बाद अगर वो ठीक नहीं हुआ है तो फिर जाकर वो कहाँ कौन सी स्टेज में जाता है, एड्स, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेज होती है थर्ड, लेकिन अगर वो एड्स स्टेज में चला गया है तो फिर उसके बाद क्या होता है विद इन 2 ईयर्स डेड, ठीक है। लास्ट जो भी हम लोग ने डिस्कस कर ली कि सीरो पॉजिटिव होने के बाद 10 साल बाद जाकर वो थर्ड अपनी स्टेज में आता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एड्स, और फिर उस एड्स वाली स्टेज में आने के बाद विद इन 2 ईयर्स पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। और क्योंकि इसका रीजन क्या है क्यों एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो एकदम लो होती चली जाती है, हमारी बॉडी बहुत प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी क्या होती है, क्लास चल ही रहा है ना इम्यूनिटी का, देख रहे हो ना डिफरेंट मैकेनिज्म, पूरी सारी इम्यूनिटी यही तो होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, इम्यूनो डेफिशियंसी हो जाती है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है पूरी वो एकदम सप्रेस होना शुरू हो जाएगी, एकदम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए। इसी वजह से 2 साल के अंदर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है अगर वो अपनी थर्ड स्टेज में आ गया है। तो आप कोई भी ये नहीं बोलेगा कि HIV पॉजिटिव होते ही इंसान को एड्स हो जाता है, ठीक है। अब आधे लोग कह रहे होंगे हम तो पहले भी नहीं बोल रहे थे, तो आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग की इम्यूनिटी में बी सेल और टी सेल, सुन लिया नाम सबने, क्लास मतलब आता है वो तो बहुत दूर की बात हो गई, नाम सुन लिया है, ठीक है। टी सेल में हेल्पर टी सेल का नाम भी सुन लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल भी होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है हेल्पर टी सेल का नाम भी सुन लिया है, चलो बेहतर। इसमें क्या होता है हमारा एक जो टी सेल्स होती हैं इनके सरफेस पे क्या होता है CD1-2 ऐसे करके बहुत सारे वो होते हैं एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो जो CD4 होता है, पहले तो कोई मुझे ये बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD, CD4 लिख रहे हैं कहीं पर, तो कुछ तो फुल फॉर्म होगी ना, CD दोनों कैपिटल में है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कोई ये वर्ड है ये किसी की शॉर्ट फॉर्म है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD, जो हमारी टी सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे हमारे एंटीजन्स होते हैं CD4 एंटीजन जो होते हैं, CD की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये याद रखना है। CD शायद से इम्यूनोलॉजी की क्लास कल भी है आप लोगों की, जो रेस्ट क्लास है वो कल है, तो याद रखना CD की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो जो हमारे टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स के सरफेस पे क्या होते हैं, हमारे CD4 एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, 1 मिनट, एक इसका पार्ट से होगा। जो हमारी टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल को ही ये क्या करता है, हमारा जो वायरस होता है ये उसे ही डैमेज करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो होती है वायरस की एंट्री, ठीक है। अभी ये वायरस इस टाइम पे हीरो बन गया है पूरा, इसकी एंट्री हो रही है, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, देखो जो वायरस की एंट्री होती है, जब मैंने अभी आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाया था SIV का, तो वहां पर हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे कि मैंने आपको बोला था जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो इनके नाम थोड़े से ज्यादा सही से सुन लो, कौन कौन से थे, 120 और 41 थे ना ये दोनों, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो एनवेलप प्रोटीन्स थे, ग्लाइकोप्रोटीन, तो जो हमारे वायरस के जो एनवेलप पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड 120, उसमें से जो 120 होता है वो क्या करता है, हमारा जो HIV जो है इसका पैथोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है, ये रिसेप्टर मैकेनिज्म है। रिसेप्टर मैकेनिज्म का मतलब समझते हो क्या होता है, रिसेप्टर मैकेनिज्म का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो, नाम क्या है रिसेप्टर क्या होता होगा, बिल्कुल भी नहीं आना है क्लास में, इट इज ऑलरेडी 9:30। क्वेश्चन का आंसर करना है तो अंदर आ जाना क्लास की, आओ जल्दी से आओ, क्वेश्चन का आंसर करो, आओ अंदर, तो मना कर रही है, कह रही नहीं नहीं करना आंसर तुम्हें, HIV के फुल फॉर्म बता के आ जाओ, चलो आओ। वो वहां पर ऐसे खड़ी है कि अगर नहीं बताया तो वो जाने के लिए भी ऐसे है कि चलो मैं फिर चली जाऊंगी, आ जाओ बेटा जल्दी से बैठो आकर, लेकिन लेट इतना लेट हो जाते हो तुम लोग बिल्कुल। हम क्या बात कर रहे थे अभी, रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होती है, किसी को कुछ पता है रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होती है, चलो थोड़ा ऐसी आइडिया, नहीं पता किसी को भी, नहीं पता है रिसेप्टर क्या होते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल है अगर वो अपना फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट गया और जाकर उसने अपने सारे फंक्शंस कर दिए, वो तो एक नॉर्मल एक फंक्शनिंग हो गई, ठीक है। एक होती है रिसेप्टर मैकेनिज्म, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है वो पहले क्या करेगा, अपने प्रॉपर फंक्शनिंग जोन में आने के लिए पहले उसे एक रिसेप्टर की जरूरत होगी, जैसे कि एक सेल है ये, ठीक है, ये एक कोई भी वायरस समझ लो, ठीक है, इसे अगर इस सेल के अंदर जाना है तो ये डायरेक्ट ऐसे अंदर चला गया तो वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन क्या होता है जनरली हमारे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे इनसाइड द सेल ऐसे नहीं जा पाते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिसेप्टर्स की, मतलब अगर इस सेल के ऊपर इस मॉलिक्यूल का रिसेप्टर है तभी ये पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो हमारे रिसेप्टर मैकेनिज्म तो हॉर्मोन्स में भी पड़ी होगी ना, हॉर्मोन्स भी तो कंप्लीट हो गया है ना, तो हॉर्मोन्स में भी तो हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि सेल सरफेस पे रिसेप्टर थे, कुछ के इंट्रा सेल्यूलर थे, कुछ कुछ के एक्स्ट्रा सेल्यूलर थे, तो वो सब रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमारे हॉर्मोन्स क्या है, वो बिना रिसेप्टर के काम नहीं करते हैं, पहले वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे, फिर रिसेप्टर हॉर्मोन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ही फिर वो अपना और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, HIV भी हमारे सेल में ऐसा मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसके भी क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो टी सेल, जो टी लिम्फोसाइट होती है, उस पे हमारे क्या होते हैं CD4 जो होते हैं एंटीजन, तो हमें उन्हें कौन आइडेंटिफाई करता है, हमारा जो एनवेलप प्रोटीन था, ग्लाइकोप्रोटीन था 120, मैं कह रही थी ना उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर हम लोगों ने लिख भी रखा हुआ है थ्योरी पार्ट में इसके, द बाइंडिंग ऑफ HIV विद टारगेट सेल इज थ्रू अ रिसेप्टर मैकेनिज्म, द ग्लाइकोप्रोटीन 120 ऑफ वायरस एनवेलप विल स्पेसिफिकली बाइंड विद CD4 मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल, ठीक है। टी सेल है, हेल्पर टी सेल है, टारगेट सेल है वो हमारी, उसके सरफेस पे क्या होता है CD4 एंटीजेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारा एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है वो उसे रिकोगनाइज करता है। जैसे ही वो उसे रिकोगनाइज करता है हमारा साइट CD4 को, फिर वो जाकर उसे बाइंड कर जाएगा और फिर आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, वायरल रेप्लिकेशन, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना क्या होता है। जनरली अभी इन्होंने आंसर किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, जनरल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमारा,
सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये जनरल था हमारा, जो रूटीन था हमारा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमारा क्या हो रहा था, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक, अब वो कैसे होता है, अभी हमें पता था वायरस के पास हमारा क्या चीज होती है, नहीं नहीं वो तो एंजाइम होता है, उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंड था। तो देखो ऊपर जो है वो हमारा क्या है, जो वायरस वाला आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, हमें इस जो आरएनए है इससे हमें डीएनए की सिंथेसिस करनी है। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस आने के बाद सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसाइज कर देते हैं। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है, पीछे आप लोग क्या बात कर रहे हो, बात करनी है तो क्लास के बाद कर लेना बात। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था हमारा, जो ब्लू कलर से जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया, उसने हमारा क्या करा, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया। तो इसमें क्या हो गया, ब्लू वाला हमारा आरएनए था और ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो गया। ठीक, अभी क्या है, हमें जो हमारी बॉडी में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए। इसमें क्या है, एक स्ट्रैंड आरएनए का है, तो हमें क्या होता है, एक राइबोन्यूक्लिएज एच करके होता है एक एंजाइम, वो क्या करता है, जो इसमें जो डबल स्टैंडर्ड जो ये है जिसमें एक आरएनए प्लस एक डीएनए का स्ट्रैंड है। हाँ, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ, हमारा हमारी बॉडी में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, ये वाला जो डबल स्टैंडर्ड बना है इसमें एक स्ट्रैंड आरएनए का है, एक डीएनए का है। तो हमें क्या करना है, जो इसमें आरएनए स्ट्रैंड है उसे रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करवाना है। तो वो हमारा कौन करता है, राइबोन्यूक्लियस एच एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, हमारा जो ये डबल स्टैंडर्ड है इसमें से आरएनए स्ट्रैंड को रिमूव कर देता है। अब जो हमारा ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बचा, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है। लेकिन जो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड बना, ये कौन कहां से, ये कौन सा है, ये नॉर्मल डीएनए नहीं है, ये वायरल डीएनए है, ये वायरस का ही तो है, वायरस से तो यहां से सिंथेसाइज हुआ था ना। तो अब क्या होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा बना, ये वायरल डीएनए जो है, ये जाता है होस्ट सेल में। ठीक है, सेल में जाने के बाद जो हमारा डीएनए है उसमें जाके इंसर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं, रेप्लिकेशन होगा, फिर से आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, और फिर ये ऐसे ही स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसका डायग्राम भी है, डायग्राम में भी एंटर हुआ, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 के रिएक्शन से, इंटरेक्शन से, फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और फिर जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन, और फिर हमारे ये न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ HIV इसने बना दिए, ऐसे ही फिर इसका स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ये। देखो यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एक समझने की थी, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसका पूरा प्रोसेस आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप, अगर फॉर एग्जाम्पल HIV पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर जनरली आता नहीं है, शॉर्ट में अगर आता है तो फर्स्ट आपको इन दोनों की फुल फॉर्म लिखोगे। कभी भी इतना मत समझा करो जैसे एड्स और HIV आपने लिख दिया तो ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, तो हमें तो पता ही है सब। लेकिन जब आप लोग ये लिख रहे हो तो कोई भी चीज, अगर टॉपिक एड्स है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको फर्स्ट लाइन में उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक, फुल फॉर्म लिखने के बाद जितने भी टॉपिक आज कवर हुए, सब टॉपिक जो कवर हुए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया उसका, HIV का स्ट्रक्चर हो गया, पैथोजेनेसिस हो गई, इन सबको मार्क्स की बेसिस पे आपको डिटेल लिखकर आनी है पूरी, क्योंकि ये सब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब ये है कि अब इट्स योर सेंसिबिलिटी कि आप मार्क्स के हिसाब से इसे कैसे मैनेज करोगे, इतने सारे टॉपिक को शॉर्ट में कैसे लिखना है, और फिर इलेबोरेटेड फॉर्म में आए तो उसे कैसे लिखोगे। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस आई, एक डायग्राम बनाओ फटाफट से ऐसा, और फिर उसे एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में, इंडिविजुअल हेडिंग में डालो, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट नोट के हिसाब से, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है इसमें, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जो हमारा HIV जो टेस्ट करने के लिए सबसे पहला होता है ELISA। ELISA की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो आप ELISA की फुल फॉर्म बताओ, स्टैंड अप, बताओ, और क्लास हो चुका है इसका,
ये भी पता है मुझे। अभी आप ही आंसर करोगे जो पीछे जाकर बैठे हो, ठीक है? याद रखना, याद कर लो फुल फॉर्म उसकी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा? एंजाइम लिंक। पीछे वाले जिन कुछ लोगों को पता है, सबने मिला के एक फुल फॉर्म बना दी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये तो पता होना चाहिए। बैठो। तो हमारा जो फर्स्ट डायग्नोसिस जो होता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक में क्या आता है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, एलाइजा आता है, ठीक है? अब एलाइजा के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जो एलाइजा होता है वो सिर्फ उसे डिटेक्ट करता है जो कि हमारे एंटीजन जो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 के जो अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है, सिर्फ उन्हें ही डिटेक्ट कर पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं। मतलब फॉल्स पॉजिटिव का मतलब समझते हो क्या होता है, कि पेशेंट को पॉजिटिव नहीं है लेकिन बस पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाती है। तो इसीलिए उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम शायद सुना भी होगा, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, ऐसी एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी होती है, तो वो कंफर्मेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा होता है CD4 काउंट, क्योंकि जो एड्स में क्या होता है, हमारा CD4 काउंट जो है वो बहुत कम हो जाता है, हेल्पर टी सेल का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है। सॉरी, हेल्पर टी सेल, CD4 नहीं बोलेंगे, हेल्पर टी सेल बोलेंगे। तो उसका काउंट कम हो जाता है। जनरली क्या होता है, ये मोर देन 400 होता है पर क्यूबिक एमएम। उसमें क्या होता है, एचआईवी पेशेंट में जो एड्स जिन्हें हो जाता है, उसमें क्या होता है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में लेस देन 300 हो जाता है वो। तो इसकी काउंटिंग से भी हम लोग करते हैं डिटेक्ट। और एक लास्ट हमारा क्या होता है, एनएटी नेट न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है, जिससे क्या होता है, ये पेशेंट में जो विंडो पीरियड होता है उसे डिक्रीज कर देता है। और ये किस केस में देखा जाता है, जब हम लोग एंटी ड्रग्स चलाते हैं इनकी, ठीक है? लास्ट ये है, इसमें एंटी एचआईवी ड्रग्स होती हैं। इसमें हमारी तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट क्या है, जो एक एंजाइम था जो सारा काम सब गड़बड़ कर रहा है, वो एक एंजाइम कर रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है इनहिबिटर, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनएक्टिवेटर। पहले तो कोई मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएक्टिवेटर और इनहिबिटर? यहां पर हम लोगों ने अलग अलग ऐसे पॉइंट लिखे हैं, तो क्या डिफरेंस होता है इसमें, क्या समझ रहे हो इस पॉइंट से? अगर ये लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो ये क्या कर रहा होगा, इनहिबिटर और इनएक्टिवेटर में डिफरेंस किसी को भी नहीं पता? फिर मैं पूछूंगी तो तुम लोग कुछ तो बता ही देते हो थोड़ा बहुत, अभी ऐसे बताते नहीं हो। बताओ कोई भी। इनहिबिटर और इनएक्टिवेटर, इनहिबिटर क्या मतलब, इनहिबिटर का मतलब क्या होता होगा, किसी भी चीज को इनहिबिट कर रहा है। इनएक्टिवेटर क्या होता है? हाँ वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया, ये तो हमें पता ही नहीं था। डिफरेंस क्या है दोनों में, जो इनएक्टिवेट कर, जो इनहिबिट कर रहा है, अरे तो डिफरेंस क्या है? अपने पास वाले इनसे बोलो, अपने वाले रो में किसी को बोलो, को एक्सप्लेन कर दे। गर्ल्स में कोई एक्सप्लेन करेगा इसे, किसी को पता भी नहीं है क्या? तुम लोग तो आंसर ही नहीं करोगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछूंगी फिर तुम लोगों से। बैठ जाओ। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनहिबिटर एंजाइम है, अपना जो वो एक्शन करना है उसे हम रोक दें वहां पर, तो दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर। के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसके फंक्शन को हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है? ये हो गया इनहिबिटर। एक होता है इनएक्टिवेटर, कि हम इस एंजाइम को इनएक्टिवेट ही कर दें, आगे प्रोसेस करने का तो नाम ही नहीं आएगा, इसे ही हम इनएक्टिवेट कर दें, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, अपना वो फंक्शन ही नहीं करेगा। तो दिस, अब बताना डिफरेंस जरा इसमें। बोलो फटाफट से बताओ, क्योंकि तुम तो बैठने के बाद बातें करने लग गए थे। बताओ
बताना तो तुम्हें पड़ेगा आंसर, बताओ अभी, मैंने तो ये बता दिया। इनएक्टिवेट करना हो क्या? तो एक्टिवेशन किसे कहते हैं? और तुम कहाँ चले गए, कहाँ की बाइंडिंग साइट, कौन कहाँ चले गए तुम? जो तुमने बोला है ना, वो हमारे क्या होता है, इनएक्टिवेशन नहीं होता है, वो इनहिबिशन होता है, जो तुम बोल रहे हो कि जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करे, उस वाले प्रोसेस को हम रोक दें, दिस इज कॉल्ड इनहिबिशन, कि हम इनहिबिट कर रहे हैं उसे। इनएक्टिवेशन है, इस एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो रहा है, मतलब ये जो एंजाइम है उसे हम इनएक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो आगे फंक्शन ही ना करे, वो अपने टारगेट सेल पे जाने जा ही नहीं पाए, वो पहले ही इनएक्टिवेट हो जाए। ठीक है, लास्ट हमारा जो लिखा हुआ है वो लिखा है प्रोटीएज इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो हमारी पैकेजिंग होती है एचआईवी मॉलिक्यूल्स की, उन्हें जाके वो ब्रेक कर दे, जब वो पैकेजिंग नहीं होगी तो वो जाके आगे स्प्रेड नहीं होंगे। ये तीन हमारे क्या होते हैं, एंटी एचआईवी ड्रग्स होती हैं, ये तीन स्टेप पे इन्हें ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, बस इतना एक शॉर्ट टॉपिक था ये, क्योंकि ये शॉर्ट में ही आता है।